अब बात करेंगे पुलिस को मिली एक सफलता की। खूंटी तोरपा थाना क्षेत्र के मेन रोड अग्रवाल भंडार में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 7 किशोरों को हिरासत में लिया है। चोरी किए गए सीसीटीवी कैमरा और दूसरे सामानों को बरामद कर लिया गया है। अग्रवाल भंडार का दरवाजा तोड़कर नगद रुपए, सीसीटीवी कैमरा, दूसरे सामानों की चोरी की गई थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, पुलिस ने चोरी के घटना को का खुलासा कर दिया, सामान भी बरामद कर लिए। कौन सा गिरोह है ये जो इस चोरी की घटना में शामिल था? देखिए, ये खूंटी के तोरपा थाना अंतर्गत जो तोरपा मेन रोड स्थित अग्रवाल भंडार है, इस जगह पर एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पूरे मामले की जब तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो तोरपा थाना क्षेत्र से ही 7 जो नाबालिग हैं उनको इस पूरे कांड में पकड़ा गया है। उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग इसी तरह की चीजों के छोटे मोटे चोरी की घटना को अंजाम दे करके फरार हो जाते थे। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे में कुछ तस्वीरें आसपास की आई थी, उसके बाद गांव वालों से पहचान कराई गई, तब पूरे मामले में सामने आया कि 15 से 16 साल के जो नाबालिग हैं ये लोग अक्सर इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। इनके पास से भंडार जो अग्रवाल भंडार जो दुकान है उसका सीसीटीवी कैमरे और सहित अन्य कई सामान जो है वह बरामद किया गया है। और इनसे पूछताछ की जा रही है कि इन लोगों के द्वारा पूर्व में कितने दुकानों पर चोरी की गई थी, क्योंकि इस क्षेत्र पर कई अन्य जगहों पर भी चोरी की शिकायतें पुलिस को लगातार मिल रही थी। तो पुलिस को जानकारी मिली है कि इसी नाबालिग गिरोह के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता था और फिर आसानी से सभी फरार हो जाते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।